उत्तर प्रदेश से है यूपी के करमठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसते पानी में किया ग्रस्त 24 ग्रामों की हवाई निरीक्षण। वहीं बता दें कि ककोर मुख्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जनपद औरैया और इटावा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ प्रभावित 24 ग्रामों में हवाई निरीक्षण के साथ ही जिला मुख्यालय ककोर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरण की गई। बाढ़ पीड़ितों को जिला मुख्यालय ककोर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से निःशुल्क राहत सामग्री किट वितरण की। किट वितरण के उपरांत योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन अधिकारियों, कृषि राज्य मंत्री समेत जिले के बीजेपी नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नेता अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक और बैठक में सभी अधिकारी सख्त निर्देश दिए, किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ित को समस्या ना हो, समय समय पर राशन पानी स्वास्थ्य के पैमानों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। प्राइम मेगा न्यूज चैनल के लिए अश्विनी सिंह और औरैया उत्तर प्रदेश। जनपद औरैया और जनपद इटावा के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने पीड़ित परिवारों को और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री के वितरण की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने भी अपनी सरकार के जो मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, विधायक हैं, इन सबके साथ अभी इस बात की समीक्षा भी की है। इससे पहले मैंने जनपद औरैया और इटावा के कुछ गांवों का हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ की स्थिति का अवलोकन भी किया है। हम सब जानते हैं कि चंबल नदी के कारण राजस्थान के कोटा बांध से भारी पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, लेकिन समय से उठाए गए कदमों के कारण जनपद औरैया में जन हानि नहीं है। प्रत्येक नागरिक सुरक्षित स्थिति में है और उन्हें न केवल राशन किट आपदा राहत मद से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है, बल्कि फूड पैकेट भी हर एक जगह उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। इस समय जो बाढ़ की स्थिति आई है, यह लोगों की जिससे अत्यंत सतर्कता बरतने वाली जैसी स्थिति थी और हम लोगों ने प्रयास से ही किया था, शुरू से ही, कि बाढ़ से किसी प्रकार की जनधन की हानि को रोका जाए। जनधन की हानि को रोकने की जिससे ही जो समय से कदम उठाए गए थे उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ से एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। 7,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर प्रभावित हुई है। 13 गांव और 14 उसके मजरे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। मैंने उनमें से ज्यादातर का भी भ्रमण किया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की गई है, 68 नौकाएं